हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज आम यही वीडियो रे इंग्लिश रो क्लास फोर देखिवा। ठीक अच्छे, आज वीडियो रे आम डिस्कशन करवा पूरा नाउन रो केसेस। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु मोस्ट इम्पोर्टेंट, मन रखु नाउन रो केसेस को जानवा निहाती दरकार। ठीक अच्छे, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो किंबा आमर सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन हो, एंड जदि आम कथा स्पेसिफिकली जहाँ भी आमर ओडिशा स्टेट लेवल एग्जामिनेशन रे, ओके, नाउन रो केसेस को नहीं निश्चय क्वेश्चन आसे। ठीक अच्छे, तो एथिपाई पूरा वीडियो टिकु एंड पर्यंत देखंतु एंड पूरा भल भाव बुझंतु। ओके, स्टार्ट करिबा आमे केसेस ऑफ नाउन। कौन ही केसेस ऑफ नाउन, सिंपली बुझंतु सब्जेक्ट प्लस भर प्लस सब्जेक्ट को नहीं गोटे सेंटेंस आमर फॉर्मेशन होता है। ओके, मुझे पूरा आराम से कह डिटेल्स कह। ठीक अच्छे, पूरा धीरे धीरे आराम से आगे आगे बढ़िया। गोटे सेंटेंस आमर केमी फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट भर्ब एंड ऑब्जेक्ट को नहीं फॉर्मेशन होता है। अच्छा, भर्ब पूर्व जहाँ रोक ताकि कौन कहा जाए सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टर जगार जहाँ आसो दैट इज सब्जेक्टिव केस, एंड ऑब्जेक्टर जगार जहाँ आसो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। नो डाउट ऑब्जेक्टिव केस कहा जाए, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। यह सहित अन्यटी होची हमर पजेसिव केस, अन्यटी होची पजेसिव केस। कौन ही पजेसिव केस, जहाँ कि पजेसन माने कौन गोटे ओनरशिप और गोटे अधिकार सेन्स रे हमें कहंती। क्लियर, ठीक से भाई आमर अन्यटी रहिला वोकेटिव केस। वोकेटिव केस कौन, वोकेटिव केस होची संबोधन करिबा, जेमिति संबोधन करिबा सेन्स रे। ओके, संबोधन माने कॉल टू कॉल, माने जन को संबोधित करिबा सेन्स रे हमें वोकेटिव केस यूज करती। एंड यही ऑब्जेक्टिव केस रो ही गोटे छोटिया पार्ट कहिले चले दैट इज डेटिव केस। डेटिव केस यह होची आमर केसेस ऑफ नाउन, एंड आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु यही पजेसिव केस को डिटेली पूरा पढ़िया दरकार। पूरा माने पजेसिव केस विषय रे पूरा कंप्लीट नॉलेज रहिबा दरकार, जहाँ कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सहित वोकेटिव किंवा डेटे जो डेटिव केस विषय रे सिंपली आइडेंटिफिकेशन आसीबो, बट अधिकांश क्वेश्चन रो वेटेज रहिबो यही पजेसिव केस रो। यही पजेसिव केस को पूरा भल भाव बुझा दरकार, अदरवाइज जदि नाउन टॉपिक रो पॉजिटिव केस बुझी परिबा नाही देन आमे पार्ट्स ऑफ स्पीच रो स्टार्टिंग रु कन्फ्यूजन रे पड़िबा। ठीक अच्छे, बिकॉज नाउन परे परे प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब उडा डिपेंड करछि यार बेस ऊपर, मीन्स यार बेसिक नॉलेज ऊपर। तेणुकरी प्रकृत रे बुझिबा दरकार कौन ही पॉजिटिव केस। ओके, क्लियर है प्रथम कथा, माने मुझे जो नाउन रो केसेस केते प्रकार पांचटी केस हो, गोटे हूँ नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस कहा जाए, डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड पजेसिव केस। यही जो पांचटी केस मध्य सबुठ मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ पजेसिव केस। क्लियर, यही जो पांच नंबर केसेसटी दैट इज पजेसिव केस हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड एटलिस्ट गोटे आईडिया आसीगला ना नॉमिनेटिव केस कौन, सब्जेक्टिव केस कौन, ऑब्जेक्टिव केस कौन, डेटिव केस कौन, वोकेटिव एंड पजेसिव केस कौन, गोटे अधिकार सेन्स रे। ठीक अच्छे, एंड गोटे सब्जेक्ट जगार आसो ऑब्जेक्ट जगार आसो, ये सब कथा को पूरा आज डिटेल्स पूरा आम बुझा। क्लियर, ओके, स्टार्ट करवा प्रथम केस दैट इज सब्जेक्टिव केस। ओके, नाउन रो भी सब्जेक्टिव केस अच्छी, प्रोनाउन रो भी सब्जेक्टिव केस अच्छी। आज वीडियो मीन्स आज वीडियो आम गुरुत्व दबा दैट इज यही नाउन रो सब्जेक्टिव केस को भल भाव बुझापी। ओके, प्रोनाउन रो भी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एम सब अच्छे। जितने आम प्रोनाउन टॉपिक देखा से ही समय आम प्रोनाउन रो पूरा टॉपिक ऊपर कवर करवा, पूरा केसेस ऊपर कवर करवा। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा आज आम सब्जेक्टिव केस भल भाव बुझा। ओके, सिंपली बुझु सब्जेक्टिव केस कौन, नाउन रो, नाउन रो सब्जेक्टिव केस हूँ यह Noun is used as subject. Very simple. Subject plus verb plus object रे noun कौन हम जदि subject रो जगह आसो that is subjective case. Okay? Clear? Ram is an intelligent boy. ये राम कौन हम, राम हूँ simply गोटे proper noun, and that too subjective case रे अच्छी गोटे noun
सब्जेक्टिव केस रे अच्छे। ओके जदि एग्जाम आसीज राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, एठी राम एमती अंडरलाइन कर सब्जेक्टिव केस हम वोकेटिव केस हम ऑब्जेक्टिव केस हम ना पॉजिटिव केस हम आमे आराम से आम चिन्ही पारा दैट इज राम हो कौन गोटे सब्जेक्टिव केस रे अच्छे क्लियर बुझीगला। सिमिलरली द पेंटर कौन द पेंटर पेंट्स भर द पोटेटिस तो ये द पेंटर कौन हम पेंटर हूँ गोटे कमन नाउन दैट टू सब्जेक्टिव केस रे अच्छे क्लियर बुझीगला। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन सिंपली बुझंतु जदि नाउन सब्जेक्टर जगार आसो मीन्स नाउन सब्जेक्ट भाव में जिते यूज हम दैट इज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन वेरी क्लियर एथिरे आउ कोनोसी कन्फ्यूजन ना देन जी आगे देन आसला आम ऑब्जेक्टिव केस कौन ऑब्जेक्टिव केस हूँ सिंपली ओके यही जो ऑब्जेक्टिव केस माने कौन बुझा देखो मु सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट हो पार एंड प्रीपोजिशन पर मध्य ऑब्जेक्टिव केस आसपार सिंपली बुझंतु ऑब्जेक्टिव केस मीन्स नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट सिंपली नाउन जेतेबेले सब्जेक्ट भावरे व्यवहार हम दैट इज सब्जेक्टिव केस एंड जेतेबेले नाउन ऑब्जेक्ट रो जगह व्यवहार हम ऑब्जेक्ट भावरे व्यवहार हम दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके मन रखंतु यही जो ऑब्जेक्टिव केस रे आमे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विषय में कथा हुआ ठीक अच्छे ऑब्जेक्ट हूँ आमर टू टाइप्स ऑब्जेक्ट हूँ टू टाइप्स गोटे हूँ कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अन्यटी हूँ आमर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिंपली बुझंतु गोटे सेंटेंस रे जितेबाला आम क्वेश्चन करने समय गोटे कंपलसरी ऑब्जेक्ट पाइबा दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केबे मध्ये गोटे सेंटेंस रे कंपलसरी नुह क्लियर अदरवाइज आम टे जस्ट मन रखापी यटा को आम नॉन लिविंग ओके यटा को लिविंग एमती सेन्स बुझीपर बट दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट सिंपली बुझंतु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ प्रीपोजिशन परे मध्य जो ऑब्जेक्ट आसो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंबा भर पर जो ऑब्जेक्ट आसो दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किंतु इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पर आसो ना ओके केबे मध्य प्रीपोजिशन परे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसीबो नाही तो एटा को आमे सिंपलीफाई करी जदि बुझीबा गोटे सेंटेंस रे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी काहे कि कंपलसरी मु भल भाव कहूँ बुझंतु दैट इज मु कहबी गोटे सेंटेंस सी गैव मी ए पेन सेंटेंस टी होची एमिति ओके भल भाव बुझीबा सी गेव मी ए पेन एठी सी कौन सिंपली कहतु सी हूँ सेंटेंस रो सब्जेक्ट क्लियर सी हूँ कौन एठी सेंटेंस रो सब्जेक्ट गेव कौन हम ये गेव हम आम दैट इज मेन भर्ब एंड भर्ब टू रे अच्छी जेहेतु यही भर्ब टी आम पास्ट फॉर्म रे अच्छी तो सेंटेंस टी कौन अच्छी पास्ट रे अच्छी एंड जदि आम टेन्स कथा पास्ट रो सिंपल टेन्स रे अच्छी क्लियर देन आम क्वेश्चन करवा सी गैब हुम हुम क्वेश्चन कले कौन आसी आसूसी एंड सी गैब व्हाट क्वेश्चन कले कौन आसूसी पेन आसूसी जस्ट टिके भावंतु जदि एठी आम किसी समय पाई मी को जदि हाइट करवा सी गैब ए पेन सेंटेंस टी कौन हम आम सी गैब ए पेन मीन्स जितेबले आमे मी होची जितेबले आमे मी को हाइड करिबा तो सेतेबले जो सेंटेंस टी आसीबो एही सेंटेंस रो कंप्लीट मीनिंग बुझी हेउची नो डाउट से गोटिए पेन देले से गोटिए पेन देले एही सेंटेंस रो मीनिंग बुझी जाउची बट जितेबले आमे एही पेन को हाइड करिबा तो सेंटेंस टी हबो एमिति हमरो सी गेव मी तो यही समय रे कौन होची सेंटेंस रो से मते देले यही सेंटेंस रो कोनोसी भी मीनिंग कंप्लीटली बुझी हेउ नाही तो दैट्स व्हाई यही पेन हे गला आमर एठी गोटिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके दैट इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड यही मी हे गला दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट केबे मध्य अलवेज भर पर ही आसो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसो ना क्लियर बुझीगला।
ओके कौन यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड जदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छी देन गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छी एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन एंड यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस रे केमिति कंपलसरी आसे ताहा क्लियर है। ओके बुझीगला किसी असुविधा ना हो। ओके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भितर व्हाट इज द डिफरेंस आम क्लियर है। ओके देन जीवा ये ऑब्जेक्टिव केस कौन सिंपली मु कहली दैट इज जितेबले ना गोटे सेंटेंस रे कौन है नाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भाव में जितेबले यूज हेबो दैट इज ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस थ्रू बुझा आई मेट योर सिस्टर। ओके आई मेट योर सिस्टर तो ये सिस्टर कौन हो सिस्टर हूँ गोटे नाउन दैट इज ऑब्जेक्टिव केस रे अच्छे क्लियर बुझीगला आई मेट योर सिस्टर सिस्टर हूँ गोटे नाउन जहाँ कि ऑब्जेक्टिव केस रे अच्छे द भेंडर्स सेल्स मैंगोज ये कौन है ये मेट भर पर सिस्टर आसला ऑब्जेक्टिव केस सेल्स हूँ भर पर मैंगोस ये मैंगोस सिंपली गोटे ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव ओके नाउन रो ऑब्जेक्टिव केस द बुक इज ऑन द टेबल ये ऑन हूँ कौन प्रीपोजिशन एंड प्रीपोजिशन पर जहाँ आसला टेबल यही टेबल सिंपली गोटे ऑब्जेक्टिव केस मन रखु गोटे भर्ब पर भी आम ऑब्जेक्टिव केस पाइबा एंड गोटे प्रीपोजिशन पर ऑब्जेक्टिव केस पाइबा एंड ऑब्जेक्टिव केस रे आम जस्ट राइट नाउ बुझा सिंपली गोटे नाउन हो एंड ये नाउन बदल में प्रोनाउन भी हो पार भर्ब आई एन जी फॉर्म भी हो पार। ओके यह विषय में आम धीरे धीरे जितेबले नेक्स्ट मानने आडभांस कनसेप्ट आड़ को जीवा आम धीरे धीरे प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन पढ़िया समय पूरा डीपली बुझा जस्ट क्लियर है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके देन जीवा नेक्स्ट क्लियर सिंपली जीवा आम आम डेटिव केस कौन बुझा। ओके डेटिव केस हूँ सिंपली बुझु एमती डेटिव केस कौन डेटिव केस हूँ गोटे सेंटेंस रे जितेबले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आसी दैट इज हूँ गोटे डेटिव केस एंड यह प्रीपोजिशन पर सिंपली गोटे भर पर ही आम डेटिव केस पाइबा क्लियर बुझीगला प्रिपो इट मीनस यहीटा भी गोटे ऑब्जेक्टिव केस रो ही पार्ट। ओके जहाँकि गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आम कहते डेटिव केस ठीक अच्छे यहाँ गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीनस गोटे ऑब्जेक्टिव केस रो ही पार्ट बट प्रीपोजिशन पर ना यही प्रीपोजिशन पर जो ऑब्जेक्टिव केस आसो दैट इज ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आम पाइबा बट यही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पर आसो ना वेरी क्लियर। ओके सिंपली बुझंतु डेटिव केस का पाइबा माने नाउन केमिति गोटे डेटिव केस भाव में यूज हुए सेंटेन्स टी हो सेंटेन्स थ्रू बुझा कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्लियर हो गला देन द टीचर गेव द स्टूडेंट फ्यू एक्सरसाइज जो क्वेश्चन करवा द टीचर गेव होम होम क्वेश्चन कले कौन हो द स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट कौन गोटे नाउन गोटे कमन नाउन दैट इज डेटिव केस रे अच्छे क्लियर बुझीगला व्हाट इज डेटिव केस व्हाट इज डेटिव केस किसी डाउट ना। ओके देन जीवा वोकेटिव केस कौन सिंपली बुझंतु वोकेटिव केस मीन्स यही वोकेटिव केस कौन वोकेटिव माने कौन सिंपली गोटे नाउन को आम संबोधन करवा। ओके संबोधन करवा सेन्स यूज करती। ओके वोकेटिव केस केमी आम यूज करवा ब्रदर ए लेटर फॉर यू मीन्स ये पूरा सेंटेंस टी कौन ब्रदर को संबोधित करा जाउछ माने ए ब्रदर को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाउछ तो ये ब्रदर हो जाव कौन गोटे वोकेटिव केस एंड वोकेटिव केस को चिन्हार सबुठारू गोटे इजी वे हूँ सिंपली गोटे नाउन आसिबो एही नाउन परे गोटे कमा पाइबा आमे एंड एहा परे जो सेंटेंस थियो ना एही वर्ड टी क्यों केस रे अछि पचारिबो दैट इज मीन्स एही पूरा सेंटेंस ना एही सिंपली गोटे सिंगल वर्ड पे कहा जाए दैट इज वोकेटिव केस तो ये ब्रदर हो जाव कौन वोकेटिव केस चेयरमैन ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड टू डेज एगो तो ये चेयरमैन कौन हो सिंपली गोटे वोकेटिव केस माने कौन ए पूरा सेंटेंस टी गोटे चेयरमैन को संबोधित कर गोटे चेयरमैन सकाशे कहुई। ओके माने कहार पूरा उद्देश्य हूँ आम चेयरमैन पर। ओके माने चेयरमैन को कहगला गोटे कामटी एमती कि जहाँ भी किसी गोटे कम को नहीं।
क्लियर बुझीगला ओके। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस क्लियर, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस क्लियर, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर ओके। देन व्हाट इज वोकेटिव केस एंड व्हाट इज डेटिव केस क्लियर। देन जीवा आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु जहाँ बहुत इंपोर्टेंट दैट इज पजेसिव केस कौन आम देखा क्लियर। व्हाट इज पजेसिव केस आम भल भाव बुझापी ट्राए करवा ओके। यही जो पजेसिव केस हूँ सिंपली जिते आम कथा पजेसिव केस विषय ना व्हाट इज पजेसिव केस सिंपली बुझी जातु पजेसन माने कौन सिंपली पजेसन माने जहाँ को आम कहते अधिकार गोटे ओनरशिप एंड गोटे बिलंगिंग सेन्स रे क्लियर। यही जो पजेसिव केस रो अर्थ हूँ गोटे अधिकार सेन्स रे आम यूज करती ओके। प्रोनाउन रो मध्य पजेसिव केस अच्छी बट राइट नाउ आम पढ़ा दैट इज पजेसिव और जेनेटिव केस अफ नाउन रो आम पजेसिव केस विषय बुझा जिते आम प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट करवा से समय आम प्रोनाउन रो पजेसिव केस विषय बुझा ओके। देन यही पजेसिव केस को आम दुईटी वे रे यूज करी जहाँ कौच भल भाव बुझी जातु आराम से कौच यही पजेसिव केस को आम दुईटी वे रे व्यवहार करी दैट इज गोटे लिविंग यूज करी परिवा ओके एंड अन्यटी हूँ आमर नॉन लिविंग आम यूज करी परिवा ओके। गोटे हूँ कौन आम लिविंग अन्यटी हूँ नॉन लिविंग जिते बड़े लिविंग आम पजेसन यूज करवा से ही समय आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा देन यापर आम पजेसन यूज करवा बट जिते आम नॉन लिविंग पजेसन यूज करवा से ही समय आम प्रीपोजिशन ऑफ पर आम पजेसन यूज करवा सरी से ही समय आम पजेसन प्लस प्रीपोजिशन आम यूज करवा ओके। देन यापर आम नाउन आसव क्लियर। एठी कौन हम ये नाउन आसो नाउन रे आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा एंड यही एपोस्ट्रोफ एस पर आम पजेसन यूज करवा ठीक अच्छे अधिकार सेन्स बट जिते आम नॉन लिविंग जिते किसी गोटे निर्जीव आम यूज करवा प्रथम पजेसन देन यापर प्रिपोजिशन अफ यापर आम नाउन यूज करवा क्लियर ओके। यही जो पजेसिव केस हूँ गोटे ओनरशिप गोटे बिलंगिंग सेन्स लिविंग सेन्स आम कौन यूज करवा यही हूँ आम एपोस्ट्रोफ एपोस्ट्रोफ केस ओके। एपोस्ट्रोफ चिन्ह एपोस्ट्रोफ आम यूज करवा जिते लिविंग हम से समय आम नाउन्स माने नाउन रमी पजेसन नाउन एपोस्ट्रोफ एस यूज करापर पजेसन ओके। राम हूँ कौन सिंपली गोटे नाउन देन आसला पजेसन हूँ एस कार हूँ कौन ये एपोस्ट्रोफ एस हूँ कार हूँ गोटे पजेसन माने कौन यटा यार मिनिंग हूँ राम कार ओके राम कार क्लियर बुझीगला यार मीनिंग कौन हो पार राम कार यही सेन्स आम यूज करपर क्लियर। सिमिलरली आगे जावा जिते नॉन लिविंग केस कथा हाँ ना से समय रे यही नॉन लिविंग सेन्स आम पजेसन को सिंपली एपोस्ट्रोफ एस रे यूज करवा ना ही मन रखी दिंतु नॉन लिविंग केस रे आम एपोस्ट्रोफ को एपोस्ट्रोफ एस रे आम यूज करवा ना ही पजेसन को सिंपली आम प्रथम पजेसन रखा देन यापर आम प्रिपोजिशन अफ यूज करवा देन यापर आम नाउन यूज करवा क्लीअर। जमी टेबल्स लेग भूल हम बिकज टेबल हूँ गोटे कौन नॉन लिविंग यटा को आम यूज करवा लेग अफ टेबल ओके लेग अफ टेबल हो रईट आंसर क्लीअर बुझीगला ओके। यही जो पजेसन कौन पजेसन कहली मुझे थर कह दैट इज आम यूज करती गोटे अधिकार सेन्स रे ओके। जमी कह आई हाव ए पेन माने कौन यही पेन अधिकार ए पेन ओनर किए मु जिते बड़े आई जिते बड़े प्रोनाउन हूँ ठीक से भाई गोटे नाउन सेन्स आम यही पजेसन को लिविंग एंड नॉन लिविंग सेन्स आम यूज करती गोटे हूँ कौन लिविंग अन्यटी हूँ नॉन लिविंग सेन्स क्लियर बुझीगला जिते लिविंग सेन्स आम यूज करवा एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा नाउन रे देन आम कौन यूज करवा यापर आम पजेसन शो करवा बट जिते नॉन लिविंग यूज करवा अफ यूज करवा यही अफ पर आम मीनस प्रथम पजेसन देन यापर अफ यापर आम नाउन को यूज करवा क्लीअर बुझीगला ओके। देन जीवा बट यही पजेसन केस रहा जिते आम कथा नॉन लिविंग रे आम सिंपली पजेसन देन अफ देन नाउन यूज करवा बट किसी एक्सेपसन केस अच्छी मानते एमती किसी केसेस अच्छी जहाँ यही रूल बा यही कनसेप्ट को फॉलो करिबो ना कौन कौन से ही कनसेप्ट देखिबा ठीक अच्छे। सिंपली बुझंतु दैट इज जेते बेले
यार एक्सेप्शन केस कौन कौन मु आराम से कह बुझी जातु किसी भी प्लेस सेन्स आसब देन इंडिया गोटे कौन प्लेस ना देन आम इंडिया सेन्स ये जो प्रश्न आसूँ इंडिया तो गोटे नन लिविंग मान गोटे प्लेस गोटे नन लिविंग सेन्स नुह यार एक्सेप्शन हूँ मन रखा जितेबले भी गोटे प्लेस सेन्स यूज करवा इंडियास इकोनॉमी ठीक हे ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया कहवा अपेक्षा इकोनॉमी ऑफ इंडिया इट्स ओके बट इंडियास इकोनॉमी ठीक हे ठीक अच्छे दिल्लीस पॉल्यूशन माने कौन दिल्लीर प्रदूषण ठीक हे इंडियास पीपल यहाँ हूँ एक्सेप्शन ठीक से भले टाइम सेन्स वन डेज लीव माने गोटे दिन छुट्टी वन डेज लीव ये ठीक हे ओके हेवेनली बॉडी किसी भी सेलेस्टियल बॉडी किसी भी यूनिवर्स जमी सन्स रे मून्स प्रेजेंट ठीक हो पार क्लीअर बुझीगला सन्स रे मून्स प्रेजेंट ये सब सेन्स यूज करके ये कहगला मून्स प्रेजेंट हो पार एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेसन यूज करके एट ए स्टोन्स थ्रो ओके यहाँ भी गोटे इडम एट एन आर्मस लेंथ मान कौन यहाँ गोटे डिस्टान्स सेन्स यूज करती ये कौन आर्मस मान कौन ये आर्मस रीनिंग हूँ गोटे डिस्टान्स सेन्स यूज करती क्लीअर बुझीगला गोटे प्लेस सेन्स यूज कर टाइम सेन्स यूज करके एंड गोटे सेलेस्टियल बॉडी किसी भी हेवेनली बॉडी सेन्स यूज करेंड इडियोमेटिक एक्सप्रेसन सेन्स एपोस्टॉप एस आम यूज कर क्लीअर बुझीगला देन जी आग को नेक्स्ट हूँ आम पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज पर्सनिफिकेशन कौन ही पर्सनिफिकेशन पर्सनिफिकेशन माने सिंपली बुझंतु किसी भी गोटे नॉन लिविंग को जो आम कनसीडर करवा दैट इज लिविंग ओके गोटे निर्जीव को से निर्जीव पछरे थिबा गोटे बिहाइंड रे ना आम गोटे लिविंग रोटे जितेबाला आम कनसीडर करवा से समय से कहते पर्सनिफिकेशन माने कौन कोर्ट्स ऑर्डर तो ये कोर्ट कौन गोटे कोर्ट तो गोटे ये जी आम मीनिंग देखा तो कोर्ट कौन हो कोर्ट तो गोटे नॉन लिविंग बट कोर्ट्स ऑर्डर कहीं कहगला ये ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी कह जाता था ओके कोर्ट्स ऑर्डर मीन्स ये द कोर्टर मीनिंग कौन गोटे जज को इंडिकेट करुच्छे ओके नेचर्स लव जमी कहते नेचर्स लव मान कौन प्रकृतिर प्रेम ठीक अच्छे नेचर्स लव दैट इज यहीटा कहगला आम पर्सोनिफिकेशन क्लीअर बुझीगला व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन सिंपली जितेबाला गोटे नॉन लिविंग को आम लिविंग कनसीडर करवा दैट इज पर्सोनिफिकेशन एंड से ही सेन्स यहाँ हूँ गोटे एक्सेप्शन आम एपोस्टॉप एस यूज करके एंड वेट सेन्स आम एपोस्टॉप एस आम यूज करमी 5 kg वेट ओके 5 kg वेट भी आम यूज क्लियर बुझीगला ओके प्रथम कथा हूँ कौन पजेसन प्रथम केस देखिले दैट इज लिविंग सेन्स एंड नॉन लिविंग सेन्स यूज करसत यार किसी एक्सेप्शन अच्छी जमी वेट होगा पर्सनिफिकेसन होगा प्लेस होगा टाइम होगा सेलेस्टियल बॉडी होगा एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेसन ठीक अच्छे यही सेन्स आम एपोस्टॉप एस यूज करवा एंड लिविंग सेन्स एपोस्टॉप एस यूज करवा बट नॉन लिविंग सेन्स आम एपोस्टॉप एस यूज करवा ना क्लीअर ओके देन जी नेक्स्ट यार साउंड को नहीं आम बुझा ओके यार साउंड को नहीं भी किसी केसेस अच्छे जहाँ आम बुझाप चेस्टा करवा भल भाव बुझु साउंड जितेबले गोटे वार्ड रे ना ओके जितेबले गोटे वार्ड रे एस साउंड पाइबा नाही ओके जितेबले वार्ड टी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन समय रे एस साउंड पाइबा नाही सही नाउन टी माने सही वार्ड टी नाउन ही थिबो दैट इज सिंगुलर ही थाउ किबा प्लुराल ही थाउ एहा परे आमे एपोस्टॉप एस यूज करिबा एंड यहाँ पर आम पोजिशन आसो जमी राम्स कार ये कौन राम हूँ राम्स मान कौन ये उच्चारण एम उच्चारण हो राम एम उच्चारण हूँ तो राम्स कार आम यूज चिल्ड्रेन्स पार्क यूज कर चिल्ड्रेन्स पार्क आम यूज क्लियर जिते बड़े आम एस साउंड जहाँ कहा जाए हिसींग साउंड ओके यही हिसींग साउंड जदि पाइबा ना देन आम एपोस्टॉप एस यूज बट जिते गोटे मानने यहाँ हूँ कौन गोटे पॉजिटिव केस साउंड को लेकिन क्लीअर एंड जिते गोटे वार्ड र एस साउंड पाइबा मीन्स हिसींग साउंड जदि पाइबा दैट इज सिंगुलर किंवा प्लुराल नाउन हेले मध्य एहा परे आमे कौनसी भी एपोस्टॉप एस यूज करिबा नाही सिंपली गोटे एपोस्टॉप एस यूज नक एपोस्टॉप ही आमे यूज करिपरिबा जेमिति मनीष ओके मनीष माने उच्चारण करिया समय कौन होचे एटी एस उच्चारण हो जाउची दैट्स व्हाई एटा आमर रॉन्ग हो जीवो मनीष कार हेबो नाही सिंपली मनीष कार हेबो
ओके जमी बयज बयज हॉस्टल आम कहते ओके बयज हॉस्टल यार सिंगुलर एंड प्लुराल केसेस अच्छी पजेसिव रामें धीरे धीरे देखा क्लीयर स्टूडेंट्स लिस्ट ओके देन जी नेक्स्ट क्लीयर बुझीगला ना कि असुविधा ना ओके सिंपली बुझंतु जिते बड़े गोटे नाउन रो शब्द लास्ट जदि आम एस साउंड पाइबा ओके से समय आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा ना ओके एपोस्ट्रोफ एस आम यूज करवा ना सिंपली आम एपोस्ट्रोफ यूज करवा जदि गोटे नाउन रो शेष आम एस साउंड पाइबा ना तो से समय आम एस यूज करवा क्लीयर बुझीगला ओके जमी कौन राम्स कार ठीक हे बट मनीष कौन हो एस उच्चारण मान हिसिंग साउंड एस साउंड उच्चारण हो तो ये आम कौन करवा ना एपोस्ट्रोफ सिंपली एपोस्ट्रोफ रहिबो एस यूज हेबो नाही मनीष कार हिजो राइट आंसर ओके देन एठी मु तीनोटी सेंटेंस माने तीनोटी अछि ए जो तीनोटी मध्यरु केउटा ठीक हेबो ट्राई करंतु स्टूडेंट्स लिस्ट हेबो स्टूडेंट्स लिस्ट एमिथि हेबो ना स्टूडेंट्स लिस्ट हेबो ट्राई करंतु केउटा ठीक हेबो ओके स्टूडेंट्स लिस्ट प्रथम कथा कहा गला दैट इज स्टूडेंट्स लिस्ट एटा ठीक हम कि एस टी यू डी ई एन टी एस स्टूडेंट्स लिस्ट एटा ठीक हम ना एटा ठीक हम स्टूडेंट्स लिस्ट केउटा ठीक हम प्रथम कथा होची जितेला आमे लिस्ट करिबा ना सही समय रे आमे सिंगुलर स्टूडेंट को नहीं केबे मध्ये लिस्ट करी परिवा नहीं तो प्रथम रु ही एटा एही वाटी आम पई भूल हो गला देन स्टूडेंट्स लिस्ट ओके एटे स्टूडेंट हो जे एस हिसिंग साउंड हो नाही ओके एठी जेतु हिसिंग साउंड हो नहीं तो एमिति लिखिबा एटा भी भूल हो स्टूडेंट हो जे तो स्टूडेंट्स लिस्ट हो हमरो राइट आंसर ओके स्टूडेंट्स ओके एठी भी स्टूडेंट्स रहबो एमिति क्लियर स्टूडेंट्स सॉरी गोटे मिनट मु पुनी थर कह दूची स्टूडेंट्स लिस्ट ओके स्टूडेंट्स लिस्ट देन स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट्स लिस्ट ओके प्रथम कथा होची स्टूडेंट्स लिस्ट केबे मध्ये हबो ने एठी भी एस रहिबो गोटे ओके प्लुराल सेंस रे एठी भी गोटे एस रखिबा एटा होची हमर सिंगुलर सेंस रे एटा होची प्लुराल सेंस रे प्रथमे एही दुईटा रे क्लियर हे जिबा ओके जितले भी आमे लिस्ट करिबा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नै लिस्ट करिबा सिंगल स्टूडेंट को नै कोनोसी लिस्ट हे पाइबो नाही तेनु करी सिंगुलर रे लिस्ट कहिबाटा ही भूल हे गला तो एटा भूल हे गला देन जितले प्लुराल करिबा स्टूडेंट्स हमर एस साउंड आसी जाउची स्टूडेंट्स तो सही समय रे आमे आउ एपोस्ट्रोफ एस यूज न करी सिंपली एपोस्ट्रोफ यूज करिया तो एटा मध्ये भूल हे गला तो स्टूडेंट्स लिस्ट हमर एही सेंटेंस हे जीवो ठीक क्लियर स्टूडेंट्स लिस्ट हे जीवो एटा हमर करेक्ट क्लियर बुझीगला ओके सिंपली गोटे वार्ड लास्ट रे जदि हिसिंग साउंड आसुची देन आम से समय रे सिंपली एपोस्ट्रोफ यूज करवा जदि हिसिंग साउंड मीन्स एस साउंड आसुना देन आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा जदि हिसिंग साउंड आसुची देन आम सिंपली एपोस्ट्रोफ यूज करवा क्लीयर बुझीगला ओके देन यही पजेसीव किसी वार्ड अच्छी ओके जहाँ आम प्रोनाउन रही कैटेगरी में बुझा बट एम आमको बुझा दरकार दैट इज किसी भी यही भाई जदि आम पजेसीव वार्ड पाइबा माई आवर योर हिज हर इट्स एंड देर यापर आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा ना कारण यह समस्त वार्ड हूँ इट्सेल्फ पजेसीव माने माई माने गोटे पजेसीव आवर माने गोटे पजेसीव योर हिज हर इट्स देर ए सब गुड़ाक निजे निजे गोटे पजेटिव माने पजेसीव मानते गोटे गोटे ओनरशिप गोटे बिलंगिंग सेन्स आम यूज करती दैट्स वाई यापर आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा ना ओके एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड इट्स यही जो एपोस्ट्रोफ इट्स रो अर्थ होची इट इज और इट वाज और हैज माने गोटे कंट्राक्शन यही सेन्स हम यूज करते गोटे कंट्राक्शन ओके बट यही इट्स रो अर्थ होची यहाँ हूँ गोटे पजेसन ओके दैट इज कंट्राक्ट जमी आम सर्ट फ्रम आम यूज करते सर्ट फ्रम से कंट्राक्शन कहते यहाँ हूँ आम पजेसन यहाँ हूँ कंट्राक्शन ओके देन ये जो दुईट सेन्टेन्स इट हम
इट्स हम ना इट्स हम ट्राए करूँ डैश माई ड्यूटी टू टीच वेल दिस बुक हैज डैश वर्थ ओके ये आम इट्स हम ना यही इट्स हम ओके मीनस पजेसन रिट्स हम ना कंट्राक्शन रिट्स हम ट्राए करूँ डैश माई ड्यूटी टू टीच वेल यही सेंटेन्स जदि आम देखा ये कौन हम गोटे सब्जेक्टर जगार आसूसी तो ये सब्जेक्टर जगार अलरेडी माई गोटे पजेसन अच्छे तो यह पूर्व कौन आम इट यूज करवा तो ये इट्स आमर राइट आंसर ये यहाँ वन यूज हम देन दिस बुक हैज डैश वर्थ ओके यही वर्थ आम ये पजेसन यूज करवा ये इट्स क्लीयर बुझेगा यहाँ सेकेंड यूज हो पार क्लीयर बुझेगा पजेसीव वर्ड पर यही माने एपोस्ट्रोफ एस यूज करिबा नहीं जमी योर्स योर्स ओके फ्रेंडली योर्स फ्रेंडली ए सेंटेंस ए जो माने फ्रेश टी कौन ठीक हम कि योर्स फ्रेंडली हम नहीं बिकज योर्स कौन गोटे इट्सेल्फ गोटे योर्स हूँ कौन गोटे योर फ्रेंडली योर्स फ्रेंडली जमी आम कहती यापर यही योर हूँ गोटे इट्सेल्फ कौन गोटे पजेसिव गोटे पजेसन दैट्स वाई यहाँ आम एपोस्ट्रोफ एस यूज करवा ना क्लीयर बुझीगला ओके देन जी आग को नेक्स्ट आम नेक्स्ट कनसेप्ट हूँ दैट इज गोटे सिक्वेन्स अफ पजेसन को नहीं आम यूज करवा ठीक अच्छे सिक्वेन्स अफ पजेसन को नहीं आम यूज करवा जिते कहगला गोटे वार्ड हूँ सिक्वेन्स अफ पजेसन कौन नाउन वन आसव ओके नाउन वन आसव देन नाउन टू आसिबो देन एहा परे जदि पोजीशन आसिबो एपोस्ट्रोफ एस आसिबो देन एहा परे पोजीशन आसिबो देन आमे केमिति करिबा सिंपली बुझंतु राम्स ब्रदर्स कार वाज स्टोलन भलो भाबरे बुझिबा ए सेंटेंस टी होची हमरो राम्स ब्रदर्स कार वाज स्टोलन ओके नाउन 1 होची कोन सिंपली राम नाउन 2 होची ब्रदर्स एंड जितने पजेसन आसला कार स्टॉलिंग देन ये आम कन्फ्यूजन होती सेंटेंस ये रामर भाई हजिला ना रामर भाई रो कार हजिला एमती गोटे आम कन्फ्यूजन होते एमती आसो आम कौन करवा सिंपली पजेसन को आग को आनीद ओके नोट कर दिंतु देन यापर यह पजेसन को आग को आनीद जो पजेसन टी कौन हटिजी ओके यही पोजीशन टी हटिजी एंड यही नाउन पाखे भी कौन अच्छी नाउन वन पाखे भी पोजीशन अच्छी यहाँ नाउन टू पोजीशन देन यापर जहाँ रहा यू आम एज इट इज रखिद मीनस यू आम लिखिपर यही सेंटेन्स टी कार ऑफ राम्स ब्रदर वाज स्टोलन हो राइट आंसर मीनस कौन अफ हूँ गोटे प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन पर जहाँ रहा पूरा ऑब्जेक्टिव केस रे आसीजिबो एंड प्रिपोजिशन पूर्व जहाँ रहा दैट इज सब्जेक्टिव केस क्लियर आम प्रथम देखिले देन माने कौन रामर भाई रो कार वाज स्टोलन क्लीयर बुझीगला ओके सिमिलरली ए सेंटेन्स टी आम ट्राए करपरिया ओके यही सेंटेन्स टी कौन हम यही सेंटेन्स टी भी आम माई फ्रेंड्स वाइफ्स डग डाइड यस्टरडे सिंपली कौन करवा ये पजेसन हूँ कौन डग डग अफ यही पजेसन टी हटिजी माई फ्रेंड्स वाइफ डाइड यस्टरडे हम यार राइट आंसर क्लीयर बुझीगला मीनस कौन अफ हूँ गोटे प्रिपोजिशन एंड यही प्रिपोजिशन पर जहाँ आसगला दैट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड प्रिपोजिशन पर जहाँ रहा सब्जेक्टिव केस एंड यही सब्जेक्टिव केस आम ये कौन यूज करती भव यूज करती माने कौन मो सांगर स्त्रीर गोटे पोषा कुकुर डग थिला दैट इज मृत्युवरण कला डाइड यस्टरडे गत काली क्लीयर बुझीगला सब बेले कौन यूज करवा जिते बड़े मुझे थर कहीदी आमर नाउन वन यू कह जाए सिक्वेन्स अफ पजेसन कनसेप्ट नाउन वन पजेसन आसो नाउन टू भी आसो दैट ओके गोटे पजेसन आसो सरी गोटे पजेसन नुह बारंबार पजेसन कहीदे एपोस्ट्रोफ आसो ओके एपोस्ट्रोफ आसो देन यापर पजेसन आसो तो सिंपली कौन यूज करवा पजेसन को आग को आनीद ओके देन यापर आम सिंपली अफ गोटे कनेक्ट करवा देन यही पजेसन टी हटिजी एज इट इज यू आज जहाँ रहा यहाँ पर आम लिखिद क्लीयर बुझीगला ओके
देन जी आम कंपाउंड नाउन को नहीं किसी कनसेप्ट दैट इज किसी पजिशन रनसेप्ट अच्छी ताकि भल भाव बुझा क्लीयर देखु जिते बड़े गोटे सेन्टेन्स एमती आस क्लीयर माई ब्रदर इन लॉस कार वाज स्टोलन यही सेन्टेन्सटू आम के मानते केमी पजेसन एपोस्ट्रॉफ केमी आम यूज करवा पजेसन केमी कन्वर्ट करवा सिंपली ये माई ब्रदर्स जदि आम करदे ये जदि आम पजेसन यूज करवा दैट इज भूल बिकज माई ब्रदर इन ल हूँ गोटे कंपाउंड नाउन अलवेज जिते बड़े गोटे कंपाउंड नाउन पाइबा यही कंपाउंड नाउन रो एंड रे ही आमे पजेसन यूज करवा मन रखु जिते बड़े भी गोटे कंपाउंड नाउन पाइबा यही कंपाउंड नाउन रो एंड रे ही आमे पजेसन यूज करवा ओके यही पजेसन यूज करा जाए ना एंड जिते बड़े प्लुराल करा जाए यही प्लुराल सेन्स आम एस कि इस यूज करें प्लुराल करती क्लीयर बुझीगला ओके मीनस ये पूराटा हूँ गोटे वार्ड बुझी जातु तो यही वार्ड लास्ट ही आम पजेसन यूज करवा क्लीयर ये द चेयर्स पर्सन हम नहीं द चेयर पर्सन स्पीच वाज ऑडिबल हम यार राइट आंसर ओके ये द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने कौन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ पूरा गोटे कंपाउंड नाउन देन यापर आम पजेसन यूज करवा द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन विल बी हेल्ड क्लीयर बुझीगला गोटे कंपाउंड नाउन को आम दृष्टि देवा क्लीयर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कही पारिया द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन विल बी हेल्ड अब यार राइट आंसर क्लीयर बुझीगला ओके यहाँ हूँ आमर मोस्ट इंपोर्टेंट कनसेप्ट प्रायतः कौन हुए एग्जाम रे आम ये एस कर दिखती आम पजेसन कर दिखती ये प्लुराल करवा ये आम अलवेज कौन हम ये आमर लॉस ये आमर पजेसन क्लीयर बुझीगला देन जी नेक्स्ट कनसेप्ट ओके नेक्स्ट आसला आमर कमन पजेसन एंड स्पिल्ड पजेसन ओके ओके दैट इज आमर लास्ट कनसेप्ट बुझी जातु भल भाव कौन ही कमन पजेसन एंड कौन ही स्पिल्ड पजेसन जिते बड़े आमर नाउन वन आसो ओके गोटे नाउन वन आसो एंड यापर गोटे एंड आसो यापर नाउन टू आसो जदि गोटे पजेसन अच्छी माने एपोस्ट्रॉफ एस अच्छी एंड यार पजेसन अच्छी एटा को आम सिंगुलर कि प्लुराल काउंटेबल नाउन आम यूज करवा ओके क्लीयर बुझीगला कि नुह गोटे नाउन वन आसो एंड गोटे कंजक्शन एंड आसो देन नाउन टू आसो देन आम यही नाउन वन एंड नाउन टू पर गोटे ही एपोस्ट्रॉफ एस यूज करवा दैट इज गोटे पजेसन आसो देन यापर सिंगुलर और प्लुराल काउंटेबल नाउन आम यूज करवा माने बुझु ए हूँ गोटे पर्सन बी हूँ आउ जड़े पर्सन मुझे कह पाखे गोटे कौन अच्छी घर अच्छी हाउस अच्छी जो ए रहा जहाँ बी रहा भी ताइपर ओके ए रहा जहाँ देन बी रहा भी ताइपर तो तेणुक आम जिते ये कंजक्शन गोटे एंड यूज करवा सिंपली आम यही बी पाई ही आम यूज करवा दैट टू सिंगुलर हो कि प्लुराल हो प्लुराल के हम ए पाखरे भी गोटे घर अच्छी बी पाखरे मध्य से ही घर ही अच्छी माने यहाँ प्लुराल सेन्स सेन्स आम सिंपली नाउन वन रो पजेसन यूज करवा दरकार ना केवल यही नाउन वन एंड नाउन टू पूराटापी गोटे पजेसन यूज करवा मीनस एपोस्ट्रॉफ एस यूज करवा यापर आम पजेसन यूज करवा सिंगुलर प्लुराल सेन्स क्लीयर बुझीगला एंड यह गोटे काउंटेबल नाउन हवा दरकार बट स्पिल्ड पजेसन के हम नाउन वन आसो यहाँ पजेसन एस यूज करवा एंड यूज करवा ओके एंड नाउन टू आसो यहाँ कौन यूज करवा एपोस्ट्रॉफ एस यूज करवा यापर पजेसन आसो यहीटा केवल प्लुराल काउंटेबल नाउन हम कि अनकाउंटेबल नाउन हम क्लीयर यहाँ केवल कौन हो प्लुराल काउंटेबल नाउन हम कि अनकाउंटेबल नाउन सेन्स यूज कर क्लीयर बुझीगला व्हाट इज कमन पजेसन एंड व्हाट इज स्पिल्ड पजेसन ओके सिंपली जदि आम बुझा ये कौन हो अनकाउंटेबल मानने गोटे एग्जाम्पल थ्रु बुझीपर देखु जहाँ कनसेप्ट कहली राम्स एंड श्याम्स हाउस हम ना हाउसेस हम ट्राए करूँ
राम्स एंड श्याम्स हाउसेस जदि आम कथा बा राम एंड श्याम्स हाउस हब ना हाउसेस हब देखु एटा हूँ आमर सिंगुलर सेन्स रे एटा हूँ आमर प्लुराल सेन्स रे क्लियर जितेबले राम एवं श्याम आसीगला ओके तो ये मीनस घर ही अच्छे गोटे सिंगुलर प्लुराल सेन्स रे तो ये एप्रोप्रिएट हम दैट इज सिंपली बुझंतु राम एंड श्याम्स हाउस भी कही पारिबा ओके किंबा हाउसेस भी कही पारिबा ओके तो एठी हो एपोस्ट्रोफ एस रो आवश्यकता नहीं दैट इज कौन हो दुईटा कॉमन हो गला राम एंड श्याम्स हाउस भी हो पारिबो हाउसेस भी हो पारिबो क्लियर ओके एठी राम एंड श्याम्स हाउस भी हो पारिबो हाउसेस भी हो पारिबो क्लियर देन राम एंड श्याम्स वेडिंग हबो कि वेडिंग होची कौन गोटे अनकाउंटेबल नाउन दैट्स वाई एठी कौन रामर बाहाघरटा श्यामर बाहाघर सहित केबे भी कॉमन हो पारिबा नै स्पेल्ड हबो तो एठी हमकु एपोस्ट्रोफ एस यूज करिवार अछि ओके ठीक से भली लाइफ मध्ये कौन गोटे अनकाउंटेबल नाउन दैट्स वाई रामर लाइफ जहाँ श्यामर लाइफ ता हो पारिबा नै तो तेणु करी एठी मध्ये हमकु गोटे पोजेशन बा गोटे एपोस्ट्रोफ एस यूज करी पोजेशन करेबार अछि क्लियर बुझियाला तो एहा थिला पूरा हमर नाउन रो कंप्लीट पोजेशन केस ओके आई होप ये वीडियो आपन बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।